मैंने टीचमेंट पे ऑनलाइन क्लासेस अभी अभी शुरू किया। मेरा फेवरेट फीचर तो डिजिटल व्हाइट बोर्ड है, बस बोर्ड शेयर किया और लिखना शुरू। वही क्लासरूम वाली फील। पहले थोड़ी प्रॉब्लम होती थी क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को फॉर्मूला अच्छे से दिखाई नहीं देते थे, लेकिन अब सब कुछ क्लियरली दिखाई देने लगा है। वो खुश तो मैं खुश। इसीलिए कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। अभी डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस चैनल फिर से। दोस्तों मैं आज आपके सामने एक नई कहानी लेके फिर से उपस्थित हूँ। कहानी बिल्कुल सत्य है। जो मैं आज आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वह बागपत शहर की कहानी। बागपत में एक लड़की की शादी तय हो जाती है। जब शादी तय हो जाती है तो शादी का दिन भी नजदीक आ जाती है और वह दुल्हन बन के बैठी होती है। इतने में जो लड़के वाले थे वह लड़की के पापा को बुलाते हैं और बुलाने के बाद जो लड़के की चैन और अंगूठी उनके मुंह पे देके मारते हैं। जिसके संग उस लड़की की शादी हो रही थी वह लड़का भी अपने ससुर के पास आता है, यानी कि लड़की के पापा के पास, और अपने गले से चैन तोड़ के उनके मुंह पे देके मारता है। पहले तो उसके पापा उससे, जो लड़का था उससे अंगूठी उतरा के उसके मुंह पे देके मारते हैं, लड़की के पापा के मुंह पे, और वह सब देखते रहते हैं और गिड़गिड़ाने लगते हैं, पैर पड़ने लगते हैं। इतने में जो लड़की थी उसके दोनों भाई भी आ जाते हैं, वह भी सब ये देखते कहीं शादी ना टूट जाए, उसके पैरों में गिरने लगते हैं। इतने में लड़का बोलता है, तुमने तो फॉर्चुनर गाड़ी देने की बात की थी और 20 लाख रुपये कैश, तुमने ये सब नहीं दिया। जब तक दरवाजे में गाड़ी खड़ी नहीं होगी ये शादी नहीं हो सकती। लड़की के दोनों भाई और लड़की के पापा दोनों गिड़गिड़ा रहे थे। दोनों भाई तो पैरों में गिर के गिड़गिड़ा रहे थे, लेकिन वह लोग हैं कि उसको जो भाई थे उनको लात मार मार के बार बार गिरा रहे थे और वह फिर भी गिड़गिड़ा रहे थे कहीं शादी ना टूट जाए। इतने में ससुर बोलने लगते हैं कि हमारे 2 दामाद भी हैं, हमारी 2 बेटियाँ भी, उनको तुमने कुछ नहीं दिया और हमारी कितनी बदनामी हो रही है, तुमने दिया ही क्या? जब तक गाड़ी नहीं दोगे, 20 लाख कैश नहीं दोगे, शादी नहीं हो सकती। और सब गिड़गिड़ा रहे थे लेकिन उनके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था। ऐसे में उसके पापा घबरा जाते हैं कि कहीं शादी ना टूट जाए और गिड़गिड़ा रहे थे, उनके पैरों में अपने हाथ सर रख रहे थे लेकिन उनको कोई असर नहीं हो रहा था। वह तो लगातार यही कह रहे थे कि हमारी इतनी बदनामी को तुमने दिया ही क्या। लड़की के घर वालों ने पहले लड़कों वाले से वादा कर तो दिया था कि हम तुम्हें गाड़ी देंगे। ये जो गाड़ी देने वाले थे वह कर्जा करके देने वाले थे, लेकिन कर्ज का इंतजाम नहीं हो पाया इसीलिए उन्होंने गाड़ी नहीं दी और वह इसी वजह से ये सब हो रहा था। और वह एक जो लड़की के पापा थे वह एक किसान थे, इसलिए उनके पास पैसे का इंतजाम नहीं हो पाया और ना ही इनके पास इतने पैसे थे। और एक किसान होने के बावजूद उन्होंने अपनी लड़की को इतना काबिल बनाया कि उसे वकील बनाया। एक लड़की वकील बनाने के बाद भी इतना सब भुगत रही है। लड़की दुल्हन बन के बैठी थी, स्टेज में जाने वाली थी और यहाँ पर ये सब हो रहा था। लड़की को इस बात की भनक तक नहीं थी। इधर लड़की दुल्हन बन के बैठी थी, बस स्टेज में जाने वाली थी, और दूसरी तरफ ये सब हो रहा था। लड़की को इस बात की पता भी नहीं था। इतने में जो जिसके संग लड़की की शादी थी उसका जीजा आके बोलता है कि मैं क्राइम ब्रांच में हूँ दिल्ली में, और मैं तुम्हारे संग ये कर दूंगा वो कर दूंगा। चुटकियाँ बजा बजा के उनको धमका रहा था लड़की वालों को। लड़की वालों ने ऐसा क्या गुनाह किया था? अपनी लड़की दे रहे थे, वह भी पढ़ी लिखी और जॉब भी करती थी, फिर भी उसको सब इतना धमका रहे थे। और जो वह जो उसका जीजा था वह पुलिस की धमकी दे रहा था कि मैं क्राइम ब्रांच में हूँ, तुम्हारे संग ये कर दूंगा और तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। चुटकी बजा बजा के उसको डरा रहा था। कैसे लोग थे ये? एक तो लड़की ले जा रहे थे, दहेज मांग रहे थे और ऊपर से पुलिस होने की धमकी दे रहे थे। पुलिस में है तो क्या हुआ, कोई भी काम करेंगे, कोई भी क्राइम करेंगे वह बच जाएंगे। जब इतनी सारी बातें होती है तो लड़की तक भी ये बात पहुंचती है। लड़की तुरंत खड़ी होती है और आके देखती है ये सब हो रहा है। मेरे भाई को लात से धक्का दिया जा रहा है, मेरे पापा के संग बदतमीजी की जा रही है। तो वह तुरंत कहती है मैं शादी नहीं करूंगी, अपना सब कुछ उतार के फेंक देती है और कहती है मैं शादी नहीं करूंगी, ऐसे इंसान के संग बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगी। और आके उन सबसे बोलती है मैं तो एक वकील हूँ और सब कुछ कानून जानती हूँ, तब तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? यदि कोई लड़की पढ़ी लिखी नहीं होगी और लॉ नहीं जानती होगी तो उसके संग तुम क्या करोगे? एक मैं वकील होते हुए तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो तो दूसरी लड़की के संग क्या करोगे तुम? ऐसे करके लड़की सारी बात बताती है और शादी के लिए तुरंत इनकार कर देती है। दोस्तों मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ है, जब कोई भी माँ बाप अपनी बेटी की शादी देता है तो दुनिया भर का सम्मान तो देता ही है, जिसके जितना उनके पास होता है उससे ज़्यादा देने की कोशिश करता है, फिर ये लोग मांग क्यों करते हैं? क्या इन लोगों को कानून का कोई डर नहीं?
खुले आम ये लोग गाड़ी मांग रहे थे, कैश मांग रहे थे और तो और उनको बेइज्जत कर रहे थे, कैसे उनके भाइयों को लात मार मार के धक्का मार के गिरा रहे थे और उसके पापा को अपने कदमों में झुका रहे थे। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्या वह लड़की के पापा इसलिए ऐसा सब होता है? क्या ये लोग ये नहीं सोचते कि हमारे घर में भी बेटी है, हमारी बेटी भी दूसरों के घर जाएगी, तब उनके साथ यदि ऐसा हो तो क्या होगा? लेकिन ऐसा कोई भी नहीं सोचता। और तो और लड़की के जो जीजा थे वह पुलिस की धमकी दे रहे थे कि मैं पुलिस में हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हम जो मर्जी करेंगे और हमारा कोई बिगाड़ भी नहीं सकता। ये क्या कानून का किसी को डर नहीं होता? क्या वह पुलिस में है तो पुलिस वाले को कानून का कोई डर नहीं होता? क्या ये खुलेआम सब कुछ करेंगे? ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, चाहे पुलिस हो, चाहे वकील हो, चाहे कोई भी हो। दोस्तों मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ, यदि ऐसा ही होता रहा लड़कियों के संग, लड़की दुल्हन बन के बैठी हुई थी, दुल्हन का जोड़ा उतार दिया, साधारण रूप में आ गई, क्या बीतती होगी ऐसे में लड़की के ऊपर? क्या उसके कोई अरमान नहीं होते? वह तो ये सोचती थी अब आज मेरी शादी है, मैं दुल्हन बनी हूँ, लेकिन दुल्हन का जोड़ा उतार के जब हाथों में मेहंदी भी लग गई तब ये सब होते हुए देखती है तो लड़की के दिल में क्या बीतती है। लेकिन लड़के वाले इस बात को नहीं समझते। क्यों समझते नहीं है? क्योंकि उनके घर में बेटी नहीं है, उनके घर में भी तो बेटी होती है, उनको भी समझना चाहिए। यदि हर कोई ऐसा सोचेगा तो बेटी को जन्म ही नहीं देगा। यदि सबके संग ऐसा होता रहा, सब बेटियों के संग, तो कौन बेटी चाहेगा कि हमारे घर में बेटी का जन्म हो? कोई भी नहीं चाहेगा हमारे घर में बेटी हो। यदि बेटी की शादी देनी हो तो वह सोचेंगे दहेज नहीं होगा तो हमारी बेटी घर में बैठी रह जाएगी, हमारी बदनामी होगी, इसी वजह से बेटी के बारे में कोई सोचना भी नहीं चाहेगा। यहाँ पे गलती लड़की वालों की भी है। उन्होंने क्यों वादा किया था कि हम फॉर्चुनर गाड़ी देंगे? यदि उनके पास पैसे का इंतजाम नहीं हुआ था और उन्होंने वादा कर लिया था, वह पहले भी तो मना कर सकते थे, हमारे पास पैसे का इंतजाम नहीं हुआ तो शादी का जो इंतजाम किया था उससे पहले ही शादी टूट जाती। इतना सारा खर्च करने के बाद जो शादी टूटती है तो लड़की वाले के दिल में क्या बीतती है? कितना सारा खर्च होता है एक शादी में, और शादी जब दुल्हन बन के बैठी हो तब तो पूरी तैयारी होती है, खाने पीना डेकोरेशन हर चीज़ का इंतजाम होता है, तब कितना नुकसान होता है लड़की वालों का। तो लड़की वालों को भी यदि इंतजाम नहीं हुआ था तो उनको पहले ही बोल देना चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। यहाँ पे लड़की वालों को भी गलती है। बस आखिर में सबसे यही कहना चाहती हूँ, यदि कोई भी मांग करे, दहेज की मांग करे, डिमांड करे, कैश कैश गाड़ी, तो उस शादी को पहले ही मना कर दे, क्योंकि बाद में भुगतने से अच्छा पहले भुगत ले। और ऐसे लोग जब मांग करते हैं और इतना हंगामा करते हैं तो वह तुम्हारी लड़की को कैसे सुखी रखेंगे? अच्छा ही हुआ शादी टूट गई, वरना लड़की के संग ना जाने कैसा व्यवहार करते। मानती हूँ लड़की वकील थी, लेकिन जिंदगी तो बर्बाद होती, कोर्ट कचहरी के चक्कर तो लगाने पड़ते बाद में भी यदि शादी हो जाती, इसलिए शादी टूट जाना ही अच्छा। एक बार नुकसान हो जाए, लेकिन बाद में शादी जब हो जाए वो वाला नुकसान कोई नहीं झेल पाता, क्योंकि शादी के बाद कुछ भी नहीं किया जाता, लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाती पूरी। बस मेरी ये कहानी यही समाप्त होती है। यदि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई तो एक लाइक और शेयर कर दीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि अगले आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और कमेंट तो जरूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं अगली वीडियो ला पाती हूँ। बस मैं अपनी वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ, मिलती है अगले वीडियो में एक नई कहानी लेके। तब तक के लिए नमस्कार। अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखिए।